धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पुलिस ने नोट दुगना तिगुना कर भोले भाले लोगों से लाखों ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। लोगों को ठगने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को काबू किया गया है। गिरोह के फरार सरगना व अन्य सदस्यों की तलाश में पुलिस जुट गई है। अपराध शाखा प्रभारी दिनेश कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कृष्णा गेट थाना के अंतर्गत आने वाला शांति एनक्लेव में कुछ लोग संदिग्ध बैठे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो न सिर्फ मामले की पुष्टि हुई अपितु नोट दुगना तिगुना करने का झांसा देकर 5 लाख लेकर बंधक बनाए गए शेखर, गगनदीप व राजू को न सिर्फ मुक्त करवाया गया बल्कि 500 व 100 रुपए के नोटों के ब्लैंक 197 गड्डियां मिली। यही नहीं, षड्यंत्र के सूत्रधार पांचों आरोपियों चमनलाल, नरेश, सागर, सोनू व केशव को पुलिस ने काबू किया, लेकिन गिरोह का सरगना चतर सिंह अपने अन्य 2 साथियों सहित अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया, जिसे जल्द काबू करने का दावा किया गया है। कृष्णा गेट थाने में जो शांति इनक्लेव पड़ता है, वहाँ का मामला सामने आया जो कोठी नंबर 95 में कुछ लोग ठहरे हुए थे, जो लोगों को पैसा डबल करने का झांसा देकर उनके साथ ठगी और स्नैचिंग का काम कर रहे थे। इसमें जो है CIA1 की टीम ने रेड करके 5 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया, जिनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस रिमांड भी लिया जाएगा। इसमें एक मुख्य आरोपी है जो वो चतर सिंह है, जो कि गंदापुरा का रहने वाला है, जो भी फरार है वह उसके अन्य साथी फरार है, जिनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करके और जो स्क्रैच की रकम है वो रिकवर की जाए। कुरुक्षेत्र से देवीलाल बारना की रिपोर्ट।